जो लोग धन कमाने के लिए छल और हिंसा का सहारा लेते हैं वे क्यों अधिक फलते फूलते रहते हैं? श्रोताओं, यही प्रश्न एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से किया था। कब, कहां? आइए इस मार्मिक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे और दोनों में विचार विमर्श तथा वाद विवाद चल रहा था। माता पार्वती प्रश्न करती थी और भगवान महादेव उनके प्रश्नों का जवाब दिया करते थे। दोनों अपने अपने प्रश्नों में और उनके उत्तरों में उलझे हुए थे। तब अचानक माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगी, हे भगवान, आप तो स्वयं तीनों लोकों के स्वामी हैं, तीनों लोकों के रचयिता हैं, तीनों लोकों का संहार करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही शक्ति हैं, तीनों एक ही शक्ति के अलग अलग रूप हैं। माता पार्वती बोली, हे देवाधिदेव, मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि संसार में जो पापी लोग होते हैं, अत्याचारी लोग होते हैं, अहंकारी लोग होते हैं, हमेशा सीधे सज्जन भोले भाले लोगों को कष्ट पहुंचाते रहते हैं, कभी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते, वे लोग सुखी क्यों रहते हैं, क्यों धनवान होते हैं? अक्सर ऐसे लोग बहुत बड़े वैभवशाली होते हैं। क्या देवी लक्ष्मी ऐसे ही लोगों से अधिक प्रसन्न रहती हैं? मैं इस बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। जब भगवान शंकर ने माता पार्वती की बात सुनी तो भगवान शंकर कहने लगे, देवी पार्वती, यह संसार सागर है, इसमें क्या क्या होता है इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। चलो तुम्हारे प्रश्न का जवाब मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। श्रोताओं, इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को साथ लेकर जगत का भ्रमण करने के लिए चल देते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, देवी पार्वती, तुम्हारे प्रश्नों का समाधान भी हमारी इस यात्रा में छुपा हुआ है। अब तो माता पार्वती और भगवान शिव ने अपना भेष बदला और एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी बनकर दोनों जंगल के मार्ग से पैदल चल दिए। मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए चलते चलते उन्हें रास्ते में एक कटे हुए वृक्ष की जड़ मिली, जिसकी पृथ्वी से थोड़ी ऊपर ठूंठ निकली हुई थी। और आप तो जानते ही हैं, जब कोई वृक्ष जड़ के पास से टूट जाता है तो उसकी थोड़ी सी ठूंठ बाहर रह जाती है। उन्हें चलते चलते थोड़ा अंधेरा हो गया था और उसे आप भगवान शिव की माया भी कह सकते हैं। भगवान शिव माता पार्वती के साथ चलते चले जा रहे थे। अंधेरा होने के कारण भगवान शंकर को वह ठूंठ दिखाई नहीं दी और उनका पैर उस ठूंठ से टकरा गया। जैसे ही उनका पैर उस ठूंठ से टकराया तो भगवान भोलेनाथ आगे की तरफ गिर पड़े। जब जमीन पर गिर पड़े और उनके पैर से रक्त की धार बहने लगी, तब माता पार्वती ने जल्दी से अपनी साड़ी से पल्लू फाड़ा और उसमें से एक टुकड़ा भगवान शंकर के पैर पर बांधना आरंभ कर दिया। जब कपड़े की पट्टी माता पार्वती ने बांधी और भगवान महादेव खड़े हुए, तब शिवजी उस ठूंठ को देखकर कहने लगी, हे टूटे हुए वृक्ष के ठूंठ, तुम बहुत विशाल हो जाओ, तुम्हारी ऊंचाई इस जंगल के सभी वृक्षों से ऊंची हो जाए, तुम्हारी शोभा सभी वृक्षों से अद्भुत हो जाए, वृक्षों में तुम सबसे बड़े वृक्ष कहलाओगे। उल्टा उसे आशीर्वाद दे दिया। भगवान शिव के इस व्यवहार से माता पार्वती बड़ी नाखुश हुई। माता पार्वती से जब रुका नहीं गया तो माता पार्वती भगवान महादेव से कहने लगी, हे भगवान, आपकी लीला भी बड़ी विचित्र है। जिस ठूंठ से आपको कष्ट पहुंचा, जिसने आपको चोट पहुंचाई, आपके पैर से देखो कितना रक्त बह रहा है, जिस वृक्ष की जड़ से आप ठोकर खाकर गिर पड़े, आपने उसी वृक्ष को इतना विशाल होने का वरदान दे दिया। भगवान, आपकी माया मुझे समझ में नहीं आई, इसका क्या कारण है? भगवान शिव ने माता पार्वती को अत्यंत विचलित देखकर कहा, हे पार्वती, समय आने पर तुम्हें इसका भी जवाब स्वयं ही मिल जाएगा।
अब आप कैलाश पर्वत पर चलिए। श्रोताओं, इस प्रकार माता पार्वती और भगवान शिव जगत का भ्रमण करने के बाद कैलाश पर्वत पर लौट आते हैं और फिर से अपनी धर्म चर्चाओं में व्यस्त हो जाते हैं। परंतु माता पार्वती के मन में बार बार उस प्रश्न का जवाब ना मिलने के कारण व्याकुलता बनी हुई थी कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। उनके दिमाग में बार बार वही बात चक्कर काट रही थी। एक दिन माता पार्वती कहने लगी, है भगवान, मुझे यह बताएं कि संसार के पापी लोग, पापी मनुष्य, जो अहंकारी है, जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, वे लोग सुखी जीवन क्यों व्यतीत करते हैं? दुष्ट लोग क्यों ज्यादा समृद्धिशाली होते हैं? तो भगवान शंकर ने फिर कहा, पार्वती, इस प्रश्न का जवाब आपको समय के अनुसार मिल जाएगा। आप कुछ समय इंतजार कीजिए। उसी काल में जो ठूंठ था, जिसको भगवान शंकर ने विशाल होने का वरदान दे दिया था, अब तो वह ठूंठ बहुत विशाल वृक्ष के रूप में परिणित हो गया। उस ठूंठ से एक अंकुर फूटा और धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष का रूप लेता चला गया। वह वृक्ष अब बहुत बड़ा हो गया था और जितने भी उस जंगल में वृक्ष थे, उन सभी वृक्षों से उसकी ऊंचाई बहुत अधिक हो गई थी। धीरे धीरे वो वृक्ष लंबी लंबी शाखाओं वाला और घनी छाया वाला बनता चला गया। दूर दूर तक उसकी छाया फैली रहती थी। इसी बात का उस वृक्ष को मद होने लगा। वह अपने से छोटे सभी वृक्षों को देखकर हंसता था और उनकी खिल्ली उड़ाता था। घमंड से हर समय सर उठाए रहता था। वह न तो किसी वृक्ष से मिलता था और न ही किसी को अपने आगे कुछ समझता था। परंतु मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जो व्यक्ति जैसा होता है, वह अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता। दुष्ट व्यक्ति कभी भी अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता। कई बार कुछ लोग धन और पद प्रतिष्ठा पाकर गर्व से भर जाते हैं, लेकिन फिर भी उतने ही जल्दी नष्ट भी हो जाते हैं। अचानक से अगर किसी को शक्ति और धन मिल जाए, तो स्वाभाविक है कि वह अपने आपे से बाहर जरूर हो जाएगा। कुछ बड़े लोग होते हैं जिन्हें धन और पद से अभिमान नहीं होता। श्रोताओं, उस वृक्ष के विशाल होने के बाद अनेक प्रकार के पक्षी उसकी लंबी शाखाओं पर बसेरा करना चाहते थे, लेकिन वह वृक्ष इतना घमंडी हो गया था कि जो पक्षी उसकी शाखाओं पर बसेरा करने के लिए आते थे, उन्हें वह अपनी शाखाओं से डराकर भगाने की कोशिश करता था। वह कहता था कि ये पक्षी मेरी सारी सुंदरता नष्ट कर देंगे, मेरे ऊपर घोंसला बनाएंगे, दिन रात मेरे ऊपर बीट करेंगे। श्रोताओं, उसके मना करने के बाद भी पक्षियां उसके ऊपर अपना घोंसला बनाकर रहने लगती थी, तो वह अपनी उसी शाखा को नीचे गिरा देता था, अपने पत्तों को पतझड़ कर देता था। कई बार उसने पक्षियों के अंडे और बच्चों को नीचे गिरा दिया। इस वास्तविकता में पक्षी बहुत दुखी हुए। वे मन ही मन उस वृक्ष को कोसते थे। उस दुष्ट वृक्ष की करतूत भगवान शंकर भी देख रहे थे। धीरे धीरे जब बसंत ऋतु का आगमन हुआ, वृक्ष पूरी तरह से पतझड़ होकर फिर से नई डालियां और पत्ते धारण करने लगा। आप जानते हैं, वसंत ऋतु में वृक्ष कितना सुंदर हो जाता है। अपने आप को देख देख कर उसका गर्व सातवें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि पूरे वन में उस वृक्ष से सुंदर कोई वृक्ष नहीं लग रहा था, क्योंकि भगवान शंकर ने उसे वरदान दिया था। एक दिन की बात है, बहुत तेजी से आंधी आती है, एक भयंकर तूफान आता है। तूफान का वेग इतना प्रबल होता है कि जंगल के सारे वृक्ष भयभीत होने लगते हैं, लेकिन वह वृक्ष अपने घमंड में चूर खड़ा होता है और मुस्कुराता है। उससे छोटे जितने भी वृक्ष होते हैं, वे बेचारे मिलजुल कर इकट्ठे रहते हैं और वह उस जंगल में अकेला खड़ा होता है। उसे अपने विशाल होने पर बड़ा घमंड था। उसका बड़ा आकार ही उसके लिए मुसीबत बन गया था। उस तेज तूफान से वह स्वयं को बचाने में असमर्थ था। उस तेज आंधी ने उस वृक्ष को जड़ सहित पृथ्वी से उखाड़ कर फेंक दिया और कम से कम 100 क्विंटल मिट्टी उसकी जड़ों से लिपटकर ऊपर आ गई।
उसका बड़ा होना ही उसके विनाश का कारण बन गया। वृक्ष जमीन से उखड़कर जमीन पर ही औंधे मुंह गिर पड़ा। उसी मार्ग से भगवान शंकर और माता पार्वती फिर से संसार भ्रमण करने के लिए चल देते हैं। माता पार्वती को तो भगवान शंकर से अपने प्रश्न का अर्थ जानना था, इसलिए माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, भगवन मेरी समझ में नहीं आता कि आप मेरे प्रश्न का जवाब कब देंगे। तो भगवान शंकर ने कहना शुरू किया, शिव जी कहते हैं, हे पार्वती चलो आज हम पृथ्वीलोक का भ्रमण करने के लिए चलते हैं। श्रोताओं, इतना कहकर बातचीत करते हुए भगवान शिव और पार्वती जी साथ साथ जंगल के रास्ते से चल पड़ते हैं। जिस रास्ते में वह विशाल वृक्ष जड़ सहित उखड़कर नीचे पड़ा हुआ था, भगवान शंकर और माता पार्वती उसी स्थान पर आ जाते हैं। जब उस वृक्ष को गिरा हुआ माता पार्वती ने देखा तो भगवान शंकर से कहने लगी, हे देवाधिदेव आपकी लीला भी कितनी विचित्र है। देखो यह कितना सुंदर वृक्ष है, कितना विशाल वृक्ष है। इस वन में इसके मुकाबले का दूसरा कोई वृक्ष नहीं है। यह वृक्ष सबसे बड़ा है, सबसे सुंदर है। इसकी छाया कितनी सुंदर होगी, क्योंकि यह सबसे सघन भी है। तूफान ने कितना बुरा किया जो इस वृक्ष को जड़ सहित उखाड़कर पटक दिया है। हे भगवान यह देखो, बेचारा जड़ से ही नष्ट हो गया है। इसका क्या कारण है, हे प्रभु इस सुंदर वृक्ष को आपने इतनी अल्पायु क्यों दी, इसका उल्लास क्यों कर दिया। भगवान शंकर माता पार्वती से कहने लगे, हे पार्वती जी तुम भी बड़ी भोली हो, जरा गौर से देखो यह वही वृक्ष है जिसे हम आज से कुछ साल पहले भ्रमण के दौरान देखे थे, और आपको ज्ञात होगा कि इस वृक्ष से मेरे पैर में ठोकर लगी थी और मेरे पैर से बहुत रक्त बह गया था, मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा था। यह वही वृक्ष है, परंतु हे पार्वती जी मैंने उस समय इसे क्या वरदान दिया था, क्या आपको ज्ञात है। माता पार्वती बोली, हाँ प्रभु मुझे अच्छी तरह याद है कि आपने इस वृक्ष को विशाल होने का वरदान दिया था। महादेव कहते हैं, हे पार्वती जी यदि उस समय मैं उस वृक्ष को उखाड़ता तो मुझे ना जाने कितनी मेहनत करनी पड़ती, और ना मैं उसको जड़ से उखाड़ सकता था। उसे जड़ से उखाड़ने के लिए मुझे अथक श्रम करना पड़ता, तब कहीं उस वृक्ष को उखाड़ पाता। वह वृक्ष अत्याचारी और अहंकारी था, इसलिए उसका नाश करना मेरे लिए आवश्यक हो गया था। हे पार्वती जी मैंने इसीलिए उस वृक्ष को विशाल होने का वरदान दिया था, इसीलिए मैंने उससे कहा था कि तुम इस जंगल में सबसे बड़े बन जाओ। हे देवी देखिए यह वृक्ष विशाल हो गया, यह वही वृक्ष है और इन सभी वृक्षों से भी बड़ा हो गया, और जब यह बड़ा हो गया तो इसने फिर भी अपना अहंकार नहीं छोड़ा, इसकी अकड़ ने ही इसे इस स्थिति में पहुंचा दिया है। यह जंगल के सभी वृक्षों से अपने आप को बड़ा समझने लगा था, पक्षियों को अपने ऊपर बसेरा नहीं करने देता था, यह यात्रियों के लिए भी छाया देने से पहले पत्तों को झाड़ देता था, इसलिए यह वृक्ष बड़ा अहंकारी था और बड़ा पापी था। इसने अपने जीवन में कोई भलाई का काम नहीं किया, और याद रखना जो लोग सिर्फ नाम के बड़े हो जाते हैं उनसे किसी को कोई सुख नहीं मिलता, उनका जीवन लोहार की उस धौंकनी की तरह हो जाता है जो सांस तो लेती है पर उसमें जीवन का कोई अंश नहीं होता, जो लोग उस वृक्ष के स्वभाव के होते हैं वह सिर्फ अपना पेट बड़ा करने में लगे रहते हैं, जो औरों को नीचा दिखाने का काम करते हैं, घमंड के कारण किसी को कुछ नहीं समझते हैं, वे अपने आप को ही देखते हैं और अपने ही शरीर से प्रेम करते हैं। जिनके अंदर अकड़ होती है ऐसे लोगों को उनका ही अहंकार मार देता है, ऐसे लोग अपने उसी विशेषता के कारण मारे जाते हैं। यदि कोई इस तरह के स्वभाव वाला व्यक्ति बहुत बड़ा धनवान है तो अधिक धन ही उसे मृत्यु के मुख में पहुंचा देता है।
लक्ष्मी भी ऐसे लोगों के पास अधिकतर इसीलिए रहती है ताकि उनका सर्वनाश कर सके। आपने देखा होगा कि अधिक धन होने से मनुष्य में कई दोष आ जाते हैं। चींटा जब मरने वाला होता है तो उसके शरीर में पंख उगाते हैं। जमीन पर रेंगने वाला चींटा भी आकाश में उड़ने लगता है। वो उड़ान उसे विनाश की ओर ले जाती है। कहते हैं कि बड़ा होना सरल है, पर बड़ा बनकर जीना बहुत कठिन है।